अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खान सिस्टर की दुनिया में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी आलू की तरकारी। देखिए, मैंने आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हूँ। ये देखिए फूल गोभी है, आलू मैंने लिए हैं 4 से 5 बड़े आलू कटे हुए, ये मैंने 2 बड़े टमाटर काट के रखे हैं, ये धनिया पत्ती, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये देखिए जीरा, सरसों, 2 बड़े प्याज, लहसुन, अदरक, और ये मैंने छौंका देने के लिए सौंफ और मेथी रखी। सबसे पहले आपके सामने ये जो गोटे मसाले मैंने रखे हैं इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए, ये सारे जो गोटे मसाले थे मैंने सारे पीस ली हूँ। अब हम फूल गोभी को फ्राई करेंगे। अब मैं फूल गोभी और आलू को फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैंने गैस ऑन करके इसमें कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा दिया और इसमें 100 ग्राम मैंने तेल डाल के गरम कर लियो। अब मैं आलू को इसमें डालूँगी। मैं इसमें थोड़ा रंग लाने के लिए हल्दी डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूँगी। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, मैं इसे निकाल ली हूँ। अब मैं इसी तरह फूल गोभी को भी फ्राई करूँगी। जिस तरह से मैंने आलू को फ्राई किया है उसी तरह से हम फूल गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें रंग के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट रंग के लिए मैं हल्दी डाल दूँ, और हल्का सा नमक भी मैं इसमें डालूँगी। अब इसको हल्का लाल होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, फूल गोभी अच्छी तरह से फ्राई होकर लाल हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी। इसी तरह बाकी के बचे हुए फूल गोभी भी मैं फ्राई कर लूंगी। मैं बचे हुए तेल में मसाला तैयार करूंगी। ये देखिए, तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें छौंका लगाऊंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें पिसी हुई मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी। अब अच्छे तरह से हम सारे मसालों को भूनेंगे। ये देखिए, मसाले हल्के भुना गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर डाल के हमें इसे और भूनना है। टमाटर जब तक हल्के से पक नहीं जाते तब तक हमको इसको भूनते रहना है। ये देखिए, मेरे मसाले अच्छी तरह से भुना गई हैं। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। इसे अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक आलू थोड़ा सा नरम ना हो जाए। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसमें फूल गोभी भी डाल रही हूँ। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी।
अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कि ये गल गई है कि नहीं। ये देखिए आलू अच्छी तरह से गल गई है और फूलगोभी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा फूलगोभी की तरकारी बनके तैयार हो चुकी है। आप सभी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।